गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। वैक्सीनेशन को लेकर वार्ड के लोगों को जागरूक करने के लिए वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद अनवर दस्तक ने मोर्चा संभाला और पूरे क्षेत्र में एडीएम व एसडीएम के साथ घूमकर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। आज शुक्रवार को नमाज बाद वार्ड नंबर 8 में एडीएम, एसडीएम और पार्षद अनवर दस्तक ने सोमवार से सारा शहर खुलने से पहले लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पार्षद अनवर दस्तक ने आम नागरिकों और व्यापारियों से निवेदन किया कि मेहरबानी करके वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस बीच पार्षद अनवर दस्तक की ओर से सैनिटाइजर और मास्क भी वितरित किए गए। इस मौके पर शिव गुप्ता जी, मुकिम बाबा, इमरान खिलजी, सुनील गोदा, वजीर खान, सलीम भाई, जब्बार भाई, नसीर बिजली वाले मौजूद थे। सभी मेरे दुकानदारों से, मेरे बंधुओं से निवेदन है कि हम आगे जो है सोमवार से कंटिन्यू करने जा रहे हैं दुकानों को, आपकी और हमारी सहूलियत के लिए सबको, आपकी और हमारी सहूलियत के लिए सबको वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। वो आपकी और हमारी सुविधाओं के लिए जिस दुकानदार भाइयों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो जोन क्रमांक 1 किला मैदान वहाँ चले जाएं, वहाँ पे वैक्सीन लग रही है, अपना आधार कार्ड ले जाएं, वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। अगर जिस दुकानदार पे वैक्सीन का सर्टिफिकेट और वो अवेलेबल नहीं होगा तो आगे आपको दुकान चलाने में असुविधाएँ होंगी जो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि सभी दुकानदार और बंधुओं से मेरी गुजारिश है कि हमें आगे व्यापार को भी चलाना है, काम भी चलाना है और हमारे शहर को भी बचाना है, तो वैक्सीन लगाना हमारे लिए अनिवार्य है, वैक्सीन जरूर लगवाएं।